हाय फ्रेंड्स, तो है ना ये एकदम चीजी बढ़िया सा व्हाइट सॉस पास्ता। अगर आप इसको घर पे आसानी से बनाना चाहते हैं तो देख सकते हैं ये पूरी वीडियो, जिसमें मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी इस व्हाइट सॉस को परफेक्ट बनाने के लिए। क्योंकि चीज़ का कॉम्बिनेशन पास्ता के साथ बच्चों का बहुत ही फेवरेट है, इनफैक्ट सबका बहुत फेवरेट है। तो आज लेकर आई हूँ आपके लिए ये डिलिशियस व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक दिए बिना बिल्कुल ना जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 6-7 कप पानी उबलने के लिए रख दिया था, जिसमें डाल दिया नमक और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, ताकि बिल्कुल भी पास्ता आपस में चिपके ना। अब इसमें डाल दिया है 2 कप पास्ता। तो जो पास्ता मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ ये है पेने पास्ता। पेने जो वर्ड है वो डिराइव किया गया एक लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है पेना, जो इंग्लिश वर्ड के पेन से डिराइव किया गया है। जो फाउंटेन पेन पहले आते थे, जिसमें स्टील की निब्स होती थी, उस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में ये कट किया जाता था, पॉइंटेड निब्स के साथ, जो रिप्रेजेंट करती है, इमिटेट करती हैं फाउंटेन पेन को, जिससे ये वर्ड डिराइव किया गया है। तो बस अब ये जो पास्ता है कैसे डालना है, मैं पहले पानी को आपको अच्छा उबालना है, और उसके बाद ही पास्ता को उबलते हुए पानी में ऐड करना है। पहले याद रखें, पास्ता ना डालें, उबाल के पानी को उसके अंदर उबलते हुए पानी में पास्ता को ऐड करें। उसके बाद इसको 10-12 मिनट लग जाता है करीब पकने में। और कितना पकाना है चेक करके देखना है आपको। पास्ता आप पास्ता निकाल सकते हैं और उसको बाइट करें, अगर वो क्रंची है तो मतलब कि आपको उसको थोड़ा सा और पकाना है। पास्ता इतना पकना चाहिए कि उसमें फर्मनेस तो रहे लेकिन बहुत क्रंच ना लगे खाने में। तो इसको बोलते हैं अलदांते स्टेज, मतलब कि पार्शली कुक्ड पास्ता। तो पास्ता हमने कम्प्लीटली पका के स्ट्रेन कर लिया। 1 टेबलस्पून के करीब ऑलिव ऑयल को गर्म कर लें, उसके अंदर डाले हैं 2-3 फाइनली चॉप की हुई लहसुन की कलियाँ। इसको हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे, ब्राउन ना होने दे, बस हल्का सा इसको इस तरीके से स्टर फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की डाइस की हुई प्याज। हल्का सा प्याज को चला लेते हैं, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कोई भी आपकी पसंद के वेजीज, आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक छोटी हरी शिमला मिर्च, आधी ये लाल शिमला मिर्च, और एक छोटी सी गाजर, ये देख सकते हैं आप, डाइस की हुई सब चीज़ें ले रखी हैं। तो आप अपनी पसंद के कोई भी वेजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पास्ता में कलरफुल अगर हो थोड़ा सा तो बहुत ही बढ़िया लगता है, इसलिए मैंने ये कलरफुल मिक्स ऑफ वेजीज़ लिया है। आप जो आपको बच्चों को पसंद हो, जो आपको पसंद हो वो ले लें। अब मैंने इसके अंदर डाला है कॉर्न, 1/4 कप कॉर्न लिया है मैंने यहाँ पर। मैं कैंड जो कॉर्न आता है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैंने 2 मिनट वेजीज़ को पका के डाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी सॉफ्ट है। आप उबले हुए भी अगर कॉर्न ले रहे हैं तो भी थोड़ा 2 मिनट वेजीज़ को पका के उसके बाद डाल दें। नमक डाल दिया इसके अंदर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा ये कोई भी मिक्स्ड हर्ब ले सकते हैं आप, ऑरिगैनो, बेसिल, थाइम, या फिर मिक्स ऑफ ऑल हर्ब्स आप ले सकते हैं। चिली फ्लेक्स डाल दिए, और बस मिक्स करके इन वेजीज़ को अच्छे से पकाएंगे अब हम। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये कलरफुल वेजीज़, इस तरीके से बच्चों को पसंद भी आते हैं, देखने में भी बढ़िया लगते हैं, और साथ साथ वेजिटेबल्स भी बच्चे खा लेते हैं। तो जब तक कि हमारे वेजिटेबल्स पकते हैं, थोड़ा सा लो फ्लेम करके इसको मैंने रख दिया है, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे और उसके बाद इसको ऐड करेंगे। तब तक हम चलते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपनी सॉस, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 4 टेबलस्पून बटर। मैं सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो सॉल्ट जो इसमें नेसेसरी है रेसिपी में उसको थोड़ा सा कम करके ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो आप अनसॉल्टेड बटर का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 4 टेबलस्पून बटर लिया है, तो 4 टेबलस्पून ही हम मैदा लेंगे, क्योंकि हम 2 कप पेने पास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे बटर को मेल्ट कर लिया, और 4 टेबलस्पून ही इसमें डालेंगे मैदा, मतलब कि जितना बटर उतना ही मैदा डालेंगे। तो ये प्लेन फ्लावर 4 टेबलस्पून इसमें डालने के बाद इसको लगातार मिक्स करते जाएंगे, फ्लेम बिल्कुल लो ही रखेंगे, और जैसे ही ये मिक्स हो गया आप देख सकते हैं, देख मैं अच्छी तरह इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें कोई भी लंप ना रहे। और अब धीरे धीरे करके इसमें हम दूध ऐड करेंगे, तो इन टोटल 2 कप दूध का इस्तेमाल करूँगी मैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके दूध को ऐड करेंगे, और रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए दूध जब आप इसमें ऐड करें, फ्लेम लो ही रखें, और धीरे धीरे करके दूध ऐड करते जाएं, और एक विस्क की मदद से लगातार इसको चलाते भी जाएं आप, ताकि कोई भी इसमें लंप ना रहे। तो देख सकते हैं आप धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं इसको विस्क करती जा रही हूँ, ये बिल्कुल स्मूथ होती जा रही है सॉस, बिल्कुल ऐसे ही बनकर आती है, क्रीमी सी सॉस। थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करें और लगातार इसको चलाते जाएं। तो
तो एंड में जब बिल्कुल सॉस हमारी स्मूथ हो गई है तो मैंने सारा मिल्क इसके अंदर डाल दिया है, मतलब कि इन टोटल 2 कप मिल्क, और फ्लेम लो ही रहने देंगे ताकि सॉस अब हमारी गाढ़ी होती जाए लो फ्लेम पे। बाकी चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि नमक, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और थोड़े से चिली फ्लेक्स। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी इन सब चीज़ों की कम रखें, ताकि मिर्ची इसमें एकदम ज़्यादा ना हो, क्योंकि हमने वेजिटेबल्स जो बनाए हैं उसमें भी हमने ये सब चीज़ें ऐड करी हैं। तो देख लेते हैं एक बार वेजीज़ को भी। वेजीज़ हमारे पककर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ऐड करेंगे बाद में सॉस में ही। जो सॉस हमारी थिक हो रही है उसके अंदर हम ग्रेट करेंगे थोड़ी सी मोज़रेला चीज़, अगर आपके पास श्रेडेड मोज़रेला है तो आप वो भी कर सकते हैं, और कोई और टाइप की चीज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप शेडार कर सकते हैं, पामेसन कर सकते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि कितनी और किस तरीके की चीज़ आप पसंद करते हैं। चीज़ बस याद आपको क्या रखना है, जितनी आप इसमें चीज़ डालते जाएंगे उतना ही ये सॉस जो है थिक होती जाएगी और चीज़ी होती जाएगी, मतलब कि गाढ़ी होती जाएगी। तो अगर आपको सॉस की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लूजन चाहिए या थोड़ी सी क्रीमी सी सॉस चाहिए तो बाद में आपको उसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी या गर्म मिल्क ऐड करना पड़ेगा उसकी कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए। हालांकि चीज़ जो है आप दिल खोल के इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अब इसमें डाल दिए हमने जो पास्ता बॉयल करके तैयार करा था वो, और साथ साथ वेजिटेबल्स, और अच्छे से अब इसको करते हैं मिक्स। जैसा मैंने पहले बताया, अगर आपको थोड़ी सी थिकनेस लगे इसमें तो आप हल्का सा दूध ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दूध ऐड करेंगे तो बाकी चीज़ों का प्रोपोर्शन भी आपको सेट करना पड़ेगा। तो अगर आप दूध नहीं ऐड करना चाहते तो इसमें हल्का सा गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं सॉस को थोड़ा सा लिक्विफाई लूजन करने के लिए। तो ये देखिए एकदम बढ़िया सॉस में लिपटा हुआ वाइट सॉस पास्ता बिल्कुल तैयार है, जिसको मैं कर रही हूँ अब गर्मा गर्म सर्व। देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ये एकदम सॉसी देख सकते हैं आप ये वाइट सॉस। अगर आप इसमें थोड़ा सा चीज़ और डालेंगे तो ये ज़्यादा चीज़ी भी हो जाएगा, तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का पसंद है। ऊपर से बस थोड़ा सा इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, मिक्स्ड हर्ब्स डाल सकते हैं आप ऊपर से, और मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी पर्सनल अपनी प्रेफरेंस के लिए पार्मेसन चीज़, और ये बनकर तैयार है डिलिशियस वाइट सॉस वेजिटेबल पास्ता। सो ये थी मेरी एक कोशिश सिंपल स्टाइल में पेश करने की कुछ एक बातें जो इंपॉर्टेंट है पास्ता जब भी आप घर में बनाएं। आई होप आपकी ये जो टिप्स मैंने शेयर करी हैं वो काम आए और आपको पसंद आए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, ये टिप्स पसंद आई है, तो लाइक करें इस वीडियो को और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। जल्दी ही मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक केयर।